उमेश यादव जी, क्या आपकी पार्टी इस चुनाव में बसपा के साथ कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलायंस कहिए, समझ कहिए, एग्रीमेंट कहिए, उसके साथ जा रही है? नहीं, हम इस चुनाव में बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, नगर निगम के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी कहा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम उत्तर प्रदेश की धरती पर निकाय चुनाव में अकेले जाएंगे, एकला चलो की नीत पर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हमने जो पिछले दिनों मेहनत की है, हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने जो भी परिश्रम किया है, वो हम ये देखना चाहते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हम बिल्कुल विशुद्ध सच बात कहेंगे आपसे। हम भी अपने आप को ये समझना चाहते हैं कि हमने जो किया हो उसके परिणाम क्या आएंगे, क्या संभावनाएं बन रही है, हमारा परिश्रम कहाँ तक पहुंचे। ठीक 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 ठीक, नावेद शिको, 14 तारीख को अखिलेश जी, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर को के साथ बाबा साहब के उसमें जा रहे हैं महू। दरअसल समाजवादी पार्टी को ये समझ आ गया था कि हमारा बेस अभी छोटा है, ये सरकार बनाने के लायक बेस नहीं है, इतने बेस में तो कभी सरकार नहीं बन सकती, तो बेस बढ़ाना है। दो ऑप्शन थे, या तो आप दलितों की ओर जाइए, ठीक, या अपर कास्ट की ओर जाइए। अखिलेश जी ने दलितों की ओर जाने का ऑप्शन चुना, उसी में 14 तारीख वाला कार्यक्रम है। इस तरह का प्रयोग और स्थानीय निकाय के चुनाव जिसमें 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ वोटर वोट डालेगा, इसलिए बहुत बड़ा चुनाव है। ठीक, उत्तर प्रदेश के छोड़ दीजिए तो तमाम 90% सूबे ऐसे हैं जहाँ इतना वोट नहीं। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी का ये प्रयोग इस स्थानीय निकाय के चुनाव में कुछ उनके लिए सार्थक वो लाएगा? सर मुझे कुछ और लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ये मान के चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वैसी ही रहेगी, 35-36% से ज्यादा वो खुद मान रहे हैं कि इससे ज्यादा मैं वोट नहीं लाऊंगा। 35-36% पे वो टिके रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं अंबेडकर बार बार काशी राम की बात और दलित वोट के ऊपर डोरे डालकर बहन मायावती जी को इतना उकसा दे कि वो अपने वोट को भाजपा से वापस लाने के लिए जमीन पे उतर जाए। उनकी कोशिश, अखिलेश यादव की कोशिश ये नहीं है कि हमारा वोट बढ़ जाए या दलित हमारे साथ आ जाए, उनकी कोशिश ये है कि हम बहन जी को इतना उकसा दे कि उनको लगने लगे कि सपा हमारा वोट बैंक बचा कुचा छीन लेगी, इसलिए खूब मेहनत करें और 8-10% अगर बहन जी अपना मेहनत करेंगी जमीन पर, इसमें कोई शक नहीं है, तो जो वो वापसी होगी उससे भाजपा का वोट कम हो जाएगा और फिर आमने सामने की टक्कर का 36-38% का मुकाबला होगा। ये रणनीति अखिलेश यादव की मुझे नजर आ रही है। अखिलेश यादव कैदे से जानते हैं कि दलित उनके साथ 1-4% छोड़ दीजिए, ज्यादा दलित उनके साथ नहीं आने वाला। वो इसलिए बहन जी को प्रेरित कर रहे हैं कि बहन जी परेशान होकर जमीन पे उतर आए और उनको लगने लगे कि जी। अशोक यादव जी, जो बात नावेश को कह रहे हैं वो ठीक बात है कि हमें मिले न मिले कम से कम बहन जी सक्रिय हो जाए तो भाजपा तो थोड़ी कमजोर हो, इसके लिए मेहनत हो रही है। अमिताभ जी, मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा जी। जैसे आलोक वर्मा जी को नहीं इंटरप्ट कर रहे थे, मुझे उम्मीद है मुझे भी नहीं जी। देखिए, पहले उन्होंने कहा कि 2024 में इनके पास हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का अहंकार दुर्योधन के पास था और 100 पुत्र थे, 100 भाई थे उसके, 100ों का सर्वनाश हो गया। ये तो पार्टी है, आपका भी सर्वनाश हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। दूसरी चीज देखिए, सुप्रीम एक गांव में कहावत है, सब सब जूता खाए तमाशा घुस के देखब, तो सुप्रीम कोर्ट का जूता हर महीना 2 महीना पे एक बार भारतीय जनता पार्टी के सर पे पड़ता है, लेकिन ये केंद्र सरकार को ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में हेट स्पीच के मामले में जूता मारा था इनके सर पे, कहा था कि गवर्नमेंट इज इंपोर्टेंट एंड पावरलेस, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नपुंसक कहा, शक्ति विहीन कहा, इनको शर्म नहीं आती है? ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी राजनीतिक दल पे नहीं किया। अभी मीडिया वन चैनल जो तमिलनाडु का था उस पर बैन लगाया था, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको जूता मारा। भैया सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, मैं अभी आज के स्थानीय निकाय के चुनाव पर हूं। सरकार है
इतना जातिवादी सरकार है, इतना सांप्रदायिक सरकार है कि इतिहास में ऐसी सरकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता देखने को। अमिताभ जी, तब आप जीत जाएंगे ना स्थानीय निकाय, जब ये सब खराब है तो आप जीत जाएंगे? इस पे हाँ ना बोलो भैया, हम रिकॉर्ड में रखेंगे, बाकी कहानी है। मैं कायम साफ कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी 13 तारीख को कोई बहाना नहीं बनाने जा रही, समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ठीक ना, मजबूती से नहीं ये, अरे मजबूती से तो आम आदमी पार्टी भी कह रही, सुभपा भी कह रही, चंद्रशेखर भी कह रहे, जयंत भी कह रहे, सब मजबूत, कौन कह रहा कमजोरी से लड़ेंगे? मैं पूछ रहा हूं, जब ये 100 खराबी है इनमें, आपने गिना दी, मैं 10 और जोड़ दे रहा हूं, 110 खराबी मान लो, ठीक, बहस में मुंह क्यों पड़े आपसे? इसका मतलब है जब ये इतने ज्यादा खराब है भाजपाई, तो आप ही को झरा वोट मिलेगा उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक, ठीक, तो 17 मेयर और बाकी पंचायत और नगर पालिका सब आप ही जीतोगे, इसमें हामी भरो तो आगे बढ़े, कहां जीतेंगे? अमिताभ जी जिस तरह से सांड शोषण और सामाजिक सौहार्द इस प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए, सांड शोषण और सामाजिक सौहार्द, आप बताइए गांव से लेकर शहर तक पूरी ट्रैफिक उत्तर प्रदेश, ठीक अशोक जी रुकना होगा, समाजवादी समाजवादी पार्टी की समस्या ये है, आलोक जी आपके पास आऊंगा, एक टिप्पणी कर दूं, वो एक सांस में 100 खराबी गिनाते हैं क्या, और कहते आज तक 1000 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई आता है वो कहता 2000 साल में नहीं हुआ, कोई कहता 75 साल में नहीं हुआ, जिसके जैसे मन में आ जाए उतने साल बता देते कि ऐसा नहीं हुआ, हाहाकार, सब सुन लो धैर्य से, फिर पूछो अच्छा भैया जब ये इतने खराब है तो इसका मतलब इनको तो आपको वोट दीवाल है नहीं, तो अब की तो आप एक तरफा जीत रहे हो, तब चुप हो जाएंगे, तो कहेंगे ना मजबूती से लड़ेंगे, हम कहते लड़ना का, जब ये इतने खराब हैं तो आप झरा जीतेंगे क्यों नहीं बोल रहे हो, छाती ठोक के बोलो कि लोकसभा में 80 जीतेंगे, अब जीतना है वहां क्या नहीं, इसमें तो फिर फंस जाओगे ना, इसलिए उतनी बात ठीक है जितनी में थोड़ा भरोसा बना रहे। अगर इनको आप सब खराबी बता रहे हो और बता रहे हो कि जनता इनसे त्राही त्राही कर गई, तब तो इनको हार जाना चाहिए। आलोक वर्मा जी आप हारने के लिए तैयार हैं? क्योंकि उन्होंने 1000 बातें बताई, कहां कहां की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, ऑकलैंड में भी सुन रहा था अमिताभ भाई, और कोई आदमी सुने तो डर जाए, स्यापा देने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया, जूता चप्पल तक भी पहुंच गए, जो भी भाषा हो सकती है वो सारी भाषा उन्होंने इस्तेमाल कर ली। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई छोड़िए इन सब तरीके से हमें स्यापा दे करके, हमारे खिलाफ कुछ बोल करके, आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपने कुछ बेहतर किया है, 5 साल तो आपको मौका दिया ना, अखिलेश यादव जी को पूरा मौका उत्तर प्रदेश ने दिया और पूरे बुलंदी के साथ दिया, हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि बेहतर कर पाए। 2012 से 17 के बीच में आपने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया, उसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत धूमधाम और गौर से देखा है, लगातार 9-10 साल से हम हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए हम हैं क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर पर सुनी है। 2 बार हम विधानसभा जीत चुके हैं, 2 बार लोकसभा जीत चुके हैं और बुलंद तरीके से जीत चुके हैं, आपके सारे कर हमने ढा दिए हैं और अभी निकाय चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी आप पूरी तरीके से हारने जा रहे हैं, आप आपकी आत्मा के साथ तरीके से जानते हैं। मीडिया के मंचों में फैसले नहीं होते, अगर आपने कुछ काम जमीन पर किया होता, अगर आपने कुछ काम जमीन पर उतर कर नहीं किया होता, हमारा हमने कुछ अगर नहीं किया तो आपने उस पर हमें क्या दिखाया होगा, तो जनता आपको भी देखती है। लेकिन कब जानते हैं केजरीवाल को तमाशा करते भागने वाली पार्टियों को अपने प्रदेश के लोग अपने सर पे बैठाने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी का चेहरा सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, गुजरात में भी आपको सफलता क्या क्या तस्वीर निकल के आई, गुजरात में क्या हाल हुआ, गुजरात के बारे में जरा बताइए, गुजरात के बारे में जरा बताइए, कोर्ट में
में है, जेल के भीतर है, उसके बारे में भी बताइए। आप तो कहते थे बहुत सरकार चलाएंगे ना दिल्ली में, दिल्ली में क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली में हमने तो सजा दी थी आपको, अरे कोर्ट ने आपको जेल के भीतर भेजा है। दोनों को रोकना होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों रुकी। आम आदमी पार्टी को तो अभी सिर्फ इतना सिद्ध करना है उत्तर प्रदेश में, उसकी आगे की बात बाद में होगी, कि वो उसको उत्तर प्रदेश की आवाम एक गंभीर कंटेंडर माने। अभी उसको इस चुनाव में ये इम्तिहान देना है, पहले ये दे लो। जैसे अरे रुको भाई, जैसे प्रिलिम होता है ना तकी साहब, ये प्रिलिम है ठीक, ये पात्रता परीक्षा है आपकी उत्तर प्रदेश में। पहले पात्रता परीक्षा अच्छे से कर लो, उसके बाद दो दो हाथ चांजिस से करो। पहले पात्रता परीक्षा तो पास कर लो यूपी में। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी ना पंजाब है, ना हिमाचल है, ना जम्मू है, ना मेघालय है, ना दिल्ली है, ना नागालैंड है, ठीक, सारी लैंड मिला दो तब जाके उत्तर प्रदेश बनता है बाबू। अभी थोड़ा तो रुक जाओ। और मान लो ये दूसरे लोग, उनकी सत्येंद्र जी की फोटो लगा दिए तब मसाज कराते हुए, ये भी समस्या है, मसाज की भी तो समस्या है। उत्तर प्रदेश में एक नया आंदोलन शुरू हो जाएगा, सब लोग कहेंगे हम भी जेल जाएंगे मसाज कराएंगे, तब हाहाकार मच जाएगा। वो कहेंगे भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो सुविधा दे रहे वो यहां भी दे, वादा करे तो फिर सोचे। खैर, उमेश यादव जी आप अपनी पार्टी को छोड़िए, जो बड़ी पार्टियां हैं भाजपा सपा बसपा कांग्रेस, इन चार पार्टियों के लिए आप मानकर चलते हैं कि ये 24 का ट्रेलर होगा? क्योंकि जब ये चुनाव 13 तारीख को इसका परिणाम आएगा, तब मेरे ख्याल से 300 दिन में भी दो चार दिन कम बचे होंगे लोकसभा के। ये सबसे लोकसभा के सबसे नजदीक का इम्तिहान होगा। देखिए, ये जो शहर की सरकार बनने जा रही है, किसी के भी पक्ष में बने अलग बात है, लेकिन इस शहर की सरकार का लोकसभा 2024 के आम चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा। ये सेमीफाइनल होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है अमिताभ जी। और इससे एक बहुत बड़ा संदेश 2024 के लोकसभा के चुनाव में जाएगा। जैसा पिछले 20-30 सालों से हम देख रहे हैं, सरकार उत्तर प्रदेश में किसी की भी रही होगी, लेकिन इस शहर की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जैसे आपने कहा कि हमें छोड़िए, लेकिन सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें छोड़िए मत, हमें भी शामिल रखिए, हम भी कहीं ना कहीं। वो उस भाव में नहीं कहा, सभी लोग अच्छा करते, लेकिन अभी चूंकि जो नहीं जो जो आपका प्रश्न है, मूल प्रश्न है, उसका उत्तर आदरणीय बंधु पर मैं आपको देना चाहूंगा कि जो 2024 का लोकसभा का आम चुनाव है, इसमें निश्चित इस शहर की सरकार जिसके भी पक्ष में बनेगी उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और प्रदेश में 4.5 करोड़ जो वोटर वोट करने जा रहा है, उसने कुछ मूड बनाया होगा, ये उसका वास्तव में सेमीफाइनल का मूड दिखाई पड़ा। जी ठीक बात। अशोक जी, अशोक यादव जी, छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे, जो बात मैंने उमेश यादव से पूछी वही आपसे पूछ रहे हैं। इस 13 तारीख को आने वाले नतीजे लोकसभा चुनाव का ट्रेलर मानेंगे कि नहीं, या 13 को भी ये एक गली खुली रखोगे कोई भी राजनीतिक दल हो कि नहीं नहीं ये तो लोकल बॉडी के चुनाव थे, बड़े चुनाव आएंगे तो हम झंडा फहराएंगे? बताइए, ट्रेलर माना जाएगा कि नहीं, अभी बता दो, हम लिख के रख लें। अमिताभ जी, निश्चित रूप से देखिए, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव, तीनों चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं और उसका टेम्पो भी अलग अलग होता है। इसको फिर कुछ नहीं मानेंगे, नहीं कह सकते कि देखिए नहीं, इसको क्या मानेंगे उमेश भाई,